गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज जुडिशरी एंड सब टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून व्यवस्था है, इसके अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं? तो जो पीछे आपने केस पढ़ा था, डॉरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो सोसाइटी के, समाज के खिलाफ इसको समझे जाने वाला जुर्म है जो डॉरी डेथ होती है, कि दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है, एंड इट इज़ अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो जो क्रिमिनल लॉ है, जो क्राइम से रिलेटेड झगड़ों का निपटारा करता है, उसका भी ये उल्लंघन की एक उदाहरण है। तो इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। तो देर आर टू मेन ब्रांचेस, वन इज क्रिमिनल लॉ एंड वन इज सिविल लॉ। तो जो कोई मारपीट हुई है, जहाँ कत्ल वगैरह हुआ है, हत्या की गई है, तो इसके अलावा सिविल लॉ, जो कि खास करके प्रॉपर्टी के केसेस रहते हैं, जहाँ डाइवोर्स केसेस इसमें आ जाते हैं। तो आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि सिविल लॉ जो था, एक पास किया गया था 2006 में, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों को घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए ये कानून पास किया गया था। तो अभी हम देखते हैं इस टेबल में दोनों लॉज के बारे में, कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है एंड सिविल लॉ क्या है। तो जो क्रिमिनल लॉ है, ये डील करता है कि किसी तरह का ऑफेंस है, कोई अपराध हुआ है, जैसे थेफ्ट, चोरी हुई है, किसी वुमन को हरास किया गया है ज़्यादा दहेज लाने के लिए, या फिर मर्डर किया गया है उसका। तो ये किस तरह से शुरू होता है, पहले सबसे अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो अफेक्टेड पार्टी, या जिसका भी, जैसे सुधा की हत्या की गई है, तो उसके पेरेंट्स द्वारा FIR जो थी लॉज की गई, कि सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो लिखवाई जाती है पुलिस स्टेशन में। तो FIR जब लिखी जाती है, तो उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी क्राइम के लिए, और बाद में फिर सारे सबूत इकट्ठे करके तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, और फिर कोर्ट में, अदालत में केस फाइल किया जाता है। तो इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर कोई व्यक्ति जो है दोषी पाया जाता है, वो कसूरवार माना जाता है, तो उसको जेल में भेजा जाता है, जहाँ अगर कोई ज़्यादा मारपीट की है, मतलब हत्या नहीं की है, तो अपराध मतलब है तो जी बड़ा ही है इस तरह के केसेस में, अगर मतलब हत्या का अपराध जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर उससे कम थोड़ा किया गया है, तो उसके लिए फिर फाइन भी किया जाता है। सिविल लॉ जो है, ये डील करता है किसी तरह का हार्म, किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया गया है, या इंजरी, किसी के राइट्स को, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उन्हें मिले हुए हैं, अगर उनका कोई वायलेशन होता है, तो जैसे कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, कोई लैंड की सेल को लेके, परचेज को लेके, मतलब सेल बेचना और परचेज खरीद करना, कोई गुड्स की, या रेंट मैटर्स हैं, या डाइवोर्स केसेस हैं, तो वो सब सिविल लॉ के अंडर आते हैं। तो इसमें भी पेटिशन फाइल की जाती है, इसमें जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर अगर कोई क्राइम हुआ है, तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जाती है, और उसके बाद फिर अदालत में मुकदमा चलता है। लेकिन सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता है, सिविल लॉ में पटिशन जो है रेलेवेंट कोर्ट या अफेक्टेड पार्टी के द्वारा जो है वो कोर्ट में ही लगाई जाती है अर्जी। इसमें रेंट मैटर्स आ जाते हैं, कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लैंडलॉर्ड के अंडर काम करने वाला, उसकी ज़मीन के ऊपर काम करने वाला, जो पेजेंट होते हैं या जो मुजारे हैं, तो वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इसमें भी जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ जो बोलती है, जो फैसला आता है, तो उसको दिया जाता है। अगर कोई केस है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, तो कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। तो अगर ज़मींदार के बीच में और टेनेंट के बीच में कोई पैसे के लेन देन को है, तो अगर टेनेंट का नुकसान हुआ है, तो उसको जो भी उसका मुआवजा बनता है, वो कोर्ट उसको देने के लिए लैंडलॉर्ड को बोलेगी। इसी तरह से कोई किराएदार जो है मकान मालिक का फ्लैट नहीं छोड़ रहा, उसको किराया भी नहीं दे रहा, तो उसको भी किराया देने के लिए और मकान खाली करने के लिए कोर्ट ऑर्डर देती है।